हे hey लर्नर्स आज के वीडियो में हम बात करेंगे एंड के बारे में इससे पहले मैं आपको इंग्लैंड की थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहूंगी इसे समझना जरूरी है तभी आपको कैवेलियर एंड मेटाफिजिकल पॉइंट्स समझ में आएंगे तो सेवनटीन सेंचुरी में ईयर 1625 से 1649 तक इंग्लैंड को रूल कर रहा था चार्ल्स फर्स्ट वो थोड़ा रूड एंड एरोगेंट था इसीलिए उसकी पार्लियामेंटेरियंस के साथ बिल्कुल नहीं जमती थी एंड उसने कई बार पार्लियामेंट को डिसॉल्व भी किया था तो इसकी वजह से इंग्लैंड में दो ग्रुप्स बन गए थे एक तो वो जो किंग को यानी कि चार्ल्स फर्स्ट को सपोर्ट करते थे उन्हें रॉयलिस्ट या फिर कैवलियर्स कहा जाता था एंड दूसरा ग्रुप था पार्लियामेंटेरियंस एंड प्यूरिटन्स का तो ऐसे फिर इंग्लैंड में 1642 में सिविल वार स्टार्ट हो गई थी जो कि 51 तक चली थी तो इसी दौरान जो पोइट्स किंग को सपोर्ट करते थे उन्हें कैविलियर पोइट्स कहा जाता था इनमें से कई पोइट्स किंग चार्ल्स फर्स्ट के कोर्ट में काम करते थे वो कोर्टियर्स थे तो ये मेनली रॉयल क्लास के लिए या फिर हम कह सकते हैं कि अपर क्लास के लिए ही पोएट्री लिखते थे ये सेकुलर पॉइट्स थे तो इनकी पोएट्री लाइट मैनर में होती थी मेनली फॉर एंटरटेनमेंट परपज ये रिलीजियस या फिलोसफिकल पोएट्री इतनी नहीं लिखते थे थोड़ा आउटस्पोकन थे सेक्स वगैरह पे भी ये लोग ओपनली बात कर लेते थे इसके अलावा ब्यूटी लव नेचर ड्रिंक, सोशल लाइफ सोशल मैनर्स पे भी ये लोग लिखते थे इनकी पोएट्री को भी समझना थोड़ा इजी होता था एज कम्पेयर टू मेटाफिजिकल पोएट्री एंड मेन बात ये है कि ये लोग बेन जॉनसन को फॉलो करते थे बेन जॉनसन इंग्लैंड के फेमस पोएट एंड प्ले थे एंड वो इंग्लैंड के पहले पोएट लॉरियट थे जिन्हें किंग जेम्स फर्स्ट की तरफ से पेंशन मिली थी एंड अगर हम बात करें फर्स्ट पोएट लॉरियट की जिन्हें कोर्ट ने अपॉइंट किया था तो वो थे जॉन ड्राइडन जैसे बेन जॉनसन के वर्ग में म्यूजिकल एलिमेंट्स होते थे या जिस तरह के थीम्स होते थे वैसे ही थीम्स को फॉलो करते थे पोएट्स इसीलिए इन्हें सन्स ऑफ बैन जॉनसन या फिर ट्राइब ऑफ बैन जॉनसन कहा जाता है इसके अलावा जो ट्रेडिशनल राइटर्स थे जैसे कि की हॉर्स सिसेरो ये उनसे भी इंस्पायर्ड अगर हम इनका राइटिंग स्टाइल देखें तो ये फॉर्म्स मीटर्स एंड राइम्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे तो हम कह सकते हैं कि ये लिरिक पोएट्स थे एंड किंग चार्ल्स फर्स्ट के लिए लॉयल थे तो कुछ फेमस कैविलियर पोएट्स हैं थॉमस कैरियू जॉन सकलिंग जॉन क्लीवलैंड रिचर्ड लवलेस, जॉर्ज वीदर विलियम ड्रमंड एंड रॉबर्ट हैरिक इनमें से इंपॉर्टेंट है थॉमस कैरियू, जॉन सकलिंग लवलेस एंड रॉबर्ट हैरिक तो इनके फेमस वर्क्स को हम फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे तो अब हम पढ़ते हैं मेटाफिजिकल पोइट्स के बारे में तो ये पोइट्स पर्टिकुलरली किसी को सपोर्ट नहीं करते थे ये रिलीजियस काइंड ऑफ मैन थे ये ऐसी चीजों पे पोइट्री लिखते थे जिन्हें हम मेयर या फिर कैलकुलेट नहीं कर सकते जैसे मोरालिटी स्परिचुअलिटी रिलीजियन रिलेशनशिप ऑफ मैन विद गॉड मॉर्टेलिटी एट्सेट्रा आप इस टर्म को देखें मेटाफिजिकल मेटा का मीनिंग होता है बियॉन्ड एंड फिजिकल का मतलब है वर्ल्ड तो ये पोयट्स अपनी पोइट्री में बियॉन्ड द वर्ल्ड बातें करते थे ये जो रिलीजन डेथ मॉर्टलिटी स्पिरिचुअलिटी की बातें हैं ये इस दुनिया से पार की बातें हैं और ये अपनी पोयट्री में प्लेटोनिक लव के बारे में बात करते हैं ये एक तरह का स्पिरिचुअल लव होता है मतलब दो लोगों में स्पिरिचुअल कनेक्शन विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्चुअल एक्टिविटी और इनकी पोइट्री कॉमन मैन को समझ में नहीं आती थी क्योंकि ये पोइट बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते थे एंड ये अपने सारे इंटेलिजेंस एंड विट अपनी पोएट्री में लगा देते थे इन्हें मैन ऑफ लर्निंग भी कहा जाता था एंड इनका मेन मकसद यही होता था कि ये अपनी पोइट्री में अपनी नॉलेज को शो करें ये थोड़ी डीप एंड सीरियस टाइप ऑफ पोएट्री लिखते थे इनका फॉर्म एंड स्ट्रक्चर इरेगुलर होता था ये लोग अपनी पोइट्री में सिमिलीज एंड मेटाफर्स का बहुत यूज करते थे जिनको इन्होंने नाम दिया है कंसीट्स जब हम किन्हीं दो चीजों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं एंड ये दोनों ही चीजें एक दूसरे से डिफरेंट हो तो उन्हें बोलते हैं कंसीट्स मीन्स अ कंसीट इज अ फार फेस्ट कंपेरिजन बिटवीन टू डिमिलर थिंग्स फॉर एग्जाम्पल एडमर्ड स्पेंसर की एक पोएम है एपिथेलियम जिसमें उन्होंने अपनी लवर को एक बिल्डिंग के साथ कंपेयर किया है और जॉन्डन ने अपनी पोएम वेलिडिक्शन फॉरबीडिंग मॉर्निंग में दो लवर्स को कॉम्पर्स की दो लेग्स के साथ कंपेयर किया है और जॉन्डन ने अपनी पोएम फ्ली में फ्ली की बाइट को अपने एंड अपने लवर की सेक्सुअल यूनियन बताया है इसके अलावा और बहुत सारे कंसीट्स जॉन्डन ने यूज किए हैं अपनी पोएम्स में कहीं पर वो दो लवर्स को सेंट्स ऑफ लव बताता है इसके अलावा कंसीट्स भी दो तरह के होते हैं एक पेट्रारकन कंसीट्स एंड एक मेटाफिजिकल कंसीट्स होते हैं जो एडमन स्पेंसर वाली एग्जाम्पल हमने डिस्कस की थी वो होते हैं पेट्रर्कन कंसेट एंड जॉनडन वाले होते हैं मेटाफिजिकल कंसेट्स मेटाफिजिकल पोएट्री में सबसे बड़ा नाम जॉन्डन का ही है इसके अलावा और भी कुछ मेटाफिजिकल पोइट्स हैं जैसे कि जॉर्ज हर्टबर्ट हेनरी वॉगन अब्राहम काउली रिचर्ड क्रैशो एंड एंड्रू मार्वल इनके अलावा और बहुत सारे हैं बट मेन ये है एंड इनसे भी मेन है जॉन्डन क्योंकि ये सभी पोइट्स जॉर्डन को ही फॉलो करते थे इसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि मेटाफिज़िकल पोइट्स के बाद यानी कि सेवनटीन सेंचुरी के बाद एटीन सेंचुरी में एक बहुत फेमस क्रिटिक एंड पोइट आए जिनका नाम था सैमुअल जॉनसन उन्होंने अपना एक वर्क लिखा था लाइफ ऑफ द मोस्ट एमिनेट इंग्लिश पोएट्स तो इन्होंने अपनी इस बुक में मेटाफिजिकल पोएट्स के बारे में बात की है इन्होंने कहा कि ये कुछ ऐसे पोएट हुआ करते थे जो अपनी पोएट्री में ऐसी बातें करते थे जिनका आंसर साइंस भी ना दे सके तो जॉनसन ने इन्हें मेटाफिजिकल पॉइट्स का नाम दिया मतलब इनसे पहले मेटाफिजिकल पॉइट्स को भी नहीं पता था कि हम मेटाफिजिकल पॉइट्स हैं तो ये बात भी आप याद रखना तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सैमुअल जॉनसन ने इस टर्म मेटाफिजिकल पोइट्री को सबसे पहले यूज किया था एंड उनके बाद नाइनटीन एंड ट्वेंटी सेंचुरी के और क्रिटिक्स का इन पे ध्यान गया तो ऐसे मेटाफिजिकल पोइट्स को लोग पढ़ने लगे तो मैंने कैविलियर एंड मेटाफिजिकल पोइट्स के बारे में मेन मेन बातें आपको बता दी है ताकि आपसे अगर कोई इसके बारे में पूछे तो आप उन्हें आंसर कर सके तो यहीं पे हमारी वीडियो भी हो जाती है खत्म अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर जाना